जाएंगे ग्रैंड टूर। इन 8 कंटेस्टेंट में से जो भी इस पूल में लास्ट तक टिका रहेगा उसको मिलेंगे ये पूरे 50,000 रुपए। और इस गेम में आने वाले बहुत सारे चैलेंजेस, और इनका पहला चैलेंज ये है कि इनको एक एक करके इस पूल में कूदना है और जिसके भी जंप सबसे ज्यादा वर्स्ट होगी वो हो जाएगा एलिमिनेट। भाई डर लगता है यार, मेरे बस की इतनी ऐसे कूदनी। Next. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Oh, oh, yeah. Oh my! Crazy. भाई मैंने सबकी जंप देख ली, सबने एक एक करके कूद लिया, बट जिसकी सबसे घटिया जंप थी वो था धीरज। आज भाई बाहर आ जाओ। मैं क्यों आ जाऊं? तुम्हारी सबसे घटिया जंप यार, जैसे आता है वैसे कूदना है। इससे अच्छी मेरी टट्टी पोर्ट सीट में कूदती है। तुम तो दोस्तों में थोड़ा तो रहम खा लेती। अरे यार मैंने बोला था यार ढंग से कूदी, तू क्या कूदा यार? जैसे आता है वैसे कूदना। ये तो गया। इंडिया के टॉप 10 तैराकों में मेरा नाम आता है, मछलियों से रेस लगाता हूँ मैं। ये क्या है बच्चे? हाँ भाई, मेरे को तो पूल में रहने का वैसे भी शौक है, बचपन से ही तैराकी करी रहा हूँ। भाई पहली बार मेरे को थोड़ा हाइट का रिग्रेट हो रहा है कि बड़ी ऊंची थी, क्योंकि पानी मेरे मुंह से ऊपर जा रहा है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। मैं स्विमिंग क्वीन हूँ गाइस, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जैसे कि आधे घंटे से मैं हूँ पानी में, तो मैं काफी रिलैक्स हूँ एंड आई कैन डू बैले आल्सो। गाइज इनके अगले टास्क के लिए मैंने इस पूल में डाल दी है पूरे 400 सिक्के, और इन सबको इन सिक्कों को कलेक्ट करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट, और इनमें से जो भी सबसे कम सिक्के कलेक्ट करेगा वो हो जाएगा इस गेम से एलिमिनेट। तो गाइज तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। इसे ना दिख रहा कुछ भी चाकू को, सिक्के दिख रहे हैं, उठाने में हालत खराब हो जा रही है। ये कोई भी नहीं निकाल पा रहे, और मैं चैंपियन पहले से, मेरे को तो बचपन से शौक है खुद में सिक्के निकालने के। मैं हरिद्वार में भी निकाले मैंने। तुम्हारे 1 मिनट हो चुके हैं पूरे। वाह कसम, 1 भी नहीं मिल रहा। भाई 2 सिक्के थे गायब हो गए मेरे तो। भाई जिस जिस में सिक्के निकाले रखते जाओ, टाइम अप होने के बाद मारने नहीं जाएंगे। भाई बड़ी मेहनत लग रही है ढूंढने में, ये मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा। भाई छोटी है, मेरे नीचे जाना इतना मुश्किल हो रहा है। 4 मिनट निकाल लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप, टाइम्स अप। जितने बार अंदर जा रही थी पानी मुझे उतने ही प्रेशर से ऊपर फेंक दे रहा था, और ये टास्क सही में बहुत मुश्किल था। भाई मैं जब बाहर निकला मुझे लग रहा है इस पानी में आग लग गई, फिर पता चला आंखों में इतना क्लोरीन चला गया, सब धुआं ही धुआं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कैमरे का लेंस नहीं दिख रहा, आप लोग नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। सब्सक्राइब बटन तुम्हें दिख रहा होगा तो कर देना। भाई ये टास्क था, हाइट की वजह से मैं अंदर जा ही नहीं पा रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने इतने कॉइंस कलेक्ट किए, मेरी नाक में पानी भर गया पूरा। टास्क तो बहुत हार्ड था, पर मैं भी ला जाऊंगा। किंग किसको कहते हैं? गाइस ये टास्क जिंदा हत्या की प्लानिंग थी मेरी, जितते हुए मैंने कर दिया बस। भाई कहाँ से सोच के लाते हैं ये लोग टास्क, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, और आगे ये टास्क तो बहुत मुश्किल था। तो गाइस सबके सिक्कों की काउंटिंग हमने कर ली है, और जिसने सबसे ही कम सिक्के निकाले हैं वो है ऋषभ, और वो होता है इस राउंड से एलिमिनेट। 4 है 4। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, तुमसे सिक्के नहीं निकाले गए। आज से मैं सीखूंगा सिक्के कैसे बनते हैं। मंदिर के पास बैठा दे। नहीं गंगा जी के पास। कुछ नहीं कर पाया, ना पानी में रह पाया, ना सिक्के बिन पाया। आप एलिमिनेट होते हो, बाय। तो गाइस इस राउंड में होने वाली है पूल रेस। तुम सबके सामने वो लगा हुआ है एक लाल रिबन, और तुम में से जो भी इस रेस में सबसे लास्ट में उस रिबन तक पहुंचेगा वो हो जाएगा इस राउंड से एलिमिनेट। मैंने तो अपने बड़े वाला कच्चा उतार दिया, छोटे वाले कच्चे में आ गया हूं, ताकि पंखा चला के तेज तैर पाऊं। रेडी रेडी गो। Oh,
बहुत थक गया था भाई, इतनी आदत नहीं है पानी में रहने की मुझे। मतलब बेचारा यार तैर नहीं पाया, बहुत अच्छा खेला। इन तीन लड़कियों ने साबित कर लिया कि मछलियां मगरमच्छ से तेज तैर सकती हैं। कैसे तैरी तुम ऐसे? चल के आई है पैदल, वो बेचारा तैरने की कोशिश कर रहा था इसलिए आ रहा है, चल के रेस जीत गई। ऐसे ऐसे आई हूं मैं भैया। ये कौन सा तैरना है, पिछवाड़ा उठा के? तो गाइस इस राउंड में तुम्हारे साथ हम कोई चैलेंज नहीं करने वाले और ना ही तुम्हें कोई टास्क देने वाले हैं। अब मैं तुम लोगों को दे रही हूँ एक बहुत ही सुनहरा मौका। तुम सबके सामने रखा हुआ है एक मिस्ट्री बॉक्स और उसमें कुछ भी निकल सकता है, हो सकता है प्राइज मनी से भी ज्यादा की चीज भी उसमें निकल सकती है। तो अगर तुम में से कोई भी वो मिस्ट्री बॉक्स लेके अभी इस गेम से क्विट करना चाहता है तो वो कर सकता है। भाई देखो, मुझे देख के तुम्हें ये आइडिया तो लग गया होगा कि तुम तो ये चैलेंज नहीं जीतने वाले मेरे सामने, मुझसे तो तुम लोग नहीं जीतने वाले। तो तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कुछ तो लेके जाओ कम से कम, क्योंकि मैं तो तुम सबको हरा ही दूंगा। तुम लेके निकल लो क्योंकि तुम्हारा थोड़ी देर में सुसु आ जाएगा। आज तक मैं जितने चैलेंज आ रहा हूँ ना सुसु की वजह से आ रहा हूँ, और ये पहली बार ऐसी जगह चैलेंज हो रहा है, मैं जहाँ पहले तीन बार ऑलरेडी मुझ चुका हूँ। टट्टी आएगी तो टट्टी भी कोने में कर ही दूंगा कहीं ना कहीं। 50-50 हो रहे हैं कि या तो मैं निकल जाऊँ मिस्ट्री बॉक्स लेके या तो मैं रुक जाऊँ कोशिश करूँ। मैंने इतनी आगे तक आ गई हूँ और फिर उसके बाद मिस्ट्री बॉक्स भी देख रही हूँ कि इसमें होगा क्या। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उस बॉक्स में क्या ही होगा। अगर नहीं जीती तो फिर कुछ भी प्राइज नहीं होगा मेरे पास, और जीत गई तो फिर तो अलग ही बात। अब देखते हैं कौन इस गेम में बना रहना चाहता है और कौन मिस्ट्री बॉक्स लेके निकलता है। विशाखा ने चूज किया है मिस्ट्री बॉक्स। विशाखा क्यों? अब तक मैं टिकी रही, बट आई नो कि मयंक और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको स्विमिंग आता है और आगे और भी टास्क होने वाले हैं। कुछ ना ले जाने से अच्छा कुछ लेके ही जाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। तेज हाँ, खोल के देखें। आई गेस मेरा डिसीजन ज्यादा सही था क्योंकि मुझे मिला है कॉफी मशीन और ये है माइक्रोवेव। एटलीस्ट मैं कुछ तो लेके जा रही हूँ, मुझे इनके लिए बुरा लग जाए जो अभी हारने वाले हैं और उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई एम हैप्पी। वो तो अब गिफ्ट्स लेके चली गई, तो अब अगर ऐसा कोई चांस आता है तो मैं तो फॉर श्योर मैं तो गिव अप करके गिफ्ट्स ले लूं। भाई इतना आगे आने के बाद मैं अब बिल्कुल गिव अप नहीं करूंगा, मैं तो जीत के जाऊंगा। भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, ना मेरे हाथ माइक्रोवेव लग रहा, ना जीत लग रही कई चैलेंजेस से, पब्लिक से इतनी गाली पड़ती है, अब तो मुझे ये चैलेंज जीतना ही पड़ेगा। भाई पूरे जोर लगा दूंगा पीछे तक के। तो मुझे भी चाहिए कॉफी मेकर और उसके लिए चैलेंज में जीत के ही रहो। बस उनको कॉफी मेकर नहीं मिलेगा बेटा, अब तो फिर जीत के पैसे मैं खरीद लूंगी ना उन पैसे से। भाई ये क्या क्या तामझाम लग रहे हैं, अब क्या होने वाला है यहाँ? भाई तुम सुबह से पानी में हो तो भूख तो लगी होगी। भूख तो बहुत तेज लगी है, पर खाना खाने के लिए भी ना और उसको पाने के लिए भी तुम्हें एक टास्क करना पड़ेगा, और वो टास्क ये है कि हमने बीच में ही रिबन लगवा दिया और तुम्हें ये मोटी सी रस्सी दे रहे हैं और तुम्हें परफॉर्म करना है टग ऑफ वार। अब बचे हैं दो लड़के और दो लड़कियां, तो ऑफकोर्स टीम में एक लड़का एक लड़की की बनेगी। भाई देखो मेरी ताकत पे मुझे बहुत विश्वास है, कोई भी आ जाए मेरे साथ मेरी तरफ साइड वाले लोग जीतेंगे, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगी है। भूख के लिए मैं तो टग ऑफ वार का पूरे पूल को खींच के उस तरफ ले जाऊँ, और जो इस टास्क में जीतेगा खाना सिर्फ उसी को मिलेगा। अब बाकी दो लोग क्या करेंगे? बाकी दो लोग भूखे सर्वाइव करेंगे। लड़कियों डिसाइड कर लो कौन से मर्द पे तुम्हें ज्यादा भरोसा है। देख लो मेरी बॉडी, देखो मेरी बॉडी, कई बार बॉडी बॉडी नहीं देखी जाती, जान भी होती है। अगर तुम्हें रोटी खानी है तो मेरी साइड आ जाओ, भूखा मरना है तो उसने मयंक को चूज कर लिया, अब देख लेंगे। चलो ठीक है, खुद ही पछताएगी अभी थोड़ी देर। भाई इंदौर में बहुत तरह सारा बेचारे सारी रात भूखे मरेंगे। आजा ठीक है, 1 2 3 कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे। एक काम करियो, मैं तेरा ना बातों से पेट भर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। भाई हमें तो मिल गया खाना और ये भर रहेंगे। अब मेरी बॉडी की तारीफ तो कर, मेरी वजह से तो रोटी मिली है, कह रहे बहुत अच्छा मर्द है। हाँ इसकी बॉडी बहुत अच्छी है और हम जीत गए ये टास्क। एक प्लेट हमारी एक हमारी है ना, ये मक्खी कहाँ से आ गई, खाना से मक्खी मच्छर आ रहे हैं। भाई यार एक ब्रेड दे दो यार प्लीज। चैलेंज माया भंडारे में नहीं आया मैं ना, आपके पैर दबा दूंगा एक ब्रेड।
कुछ और दवाई तो गरम गरम पनीर के पकोड़े, मजा आ गया भाई। अगर तुम्हारा बच जाएगा तो दे देना, जैसे कुत्तों को फेंकते हैं ना वैसे दे। ए बदतमीज। अरे तो कुछ तो अबे भाई तुम बता, तुम जमीन दाड़ में फंस जाएगा ना, ठूकूंगा बाद में इधर। नहीं वो नहीं खाना। कितना खाओगे तुम, जो बच जाएगा वो दे देना। अब जो मिलेगा वॉशरूम में मिलेगा। तो गाइस अब बारी है तुम्हारे अगले टास्क की, और इस टास्क में तुम चारों को अंडर वाटर जाके अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, और तुम में से जो भी सबसे पहले ऊपर आ जाएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट। अरे कैसा टास्क है, मतलब मैं हवा में तो सांस रोक नहीं पाती अंडर वाटर। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं तो पानी में 4-5 दिन आराम से रह सकता हूँ। अबे साले भाई मैं सच बताऊँ, मैं तो भगवान भरोसे। भाई मुझे तो वो क्लस्ट्रोपोलिया क्या होता है, पोलियो, क्लस्ट्रोपोलियो है, मेरी तो कोई उंगली भी पकड़ ले तो मुझे तो दम घुट जाता पानी के अंदर, तो मेरे बहुत दिक्कत होती है, मैं 2 सेकंड रह सकता हूँ बस। आई है वो है दिव्या। बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कर लेगा, और इसने कर लिया। मेरे से टक्कर थी इसकी सीधा। इसकी चालाकी थी, पहले यही बोल रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये है, मुझे ये है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, और ये टिक गया। मेरे को तो लग रहा है यही जीत जाए। भाई मुझे नहीं लगा था ये हार मानेंगे, तो लगता तो 2-3 मिनट तो रहेंगे अंदर, मैं तो तुझे मिलने भी आता नीचे, नीचे दिख ही नहीं कहीं। टू बी ऑनेस्ट मुझे सच में उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस टास्क तक भी आ जाऊंगी, और अपनी नजर में मैं विनर हूँ। यस बहुत बढ़िया खेली तुम। भाई कपड़े तो ऐसे पहन गए थे जैसे सारे पूर्वज पानी में ही रहते हैं, और 4 सेकंड अंदर पानी में ब्रेथ होल्ड नहीं करी गई। और बोलो। तो गाइस अब बारी है तुम्हारे अगले टास्क, और इस टास्क में तुम्हें मिलेगा ये ट्यूब, और तुम्हें इस ट्यूब पे बैठना है और अपना बैलेंस बनाना है, और तुम तीनों में से जो भी इस ट्यूब से सबसे पहले गिर जाएगा वो हो जाएगा एलिमिनेट। एक ही ट्यूब है क्या? अरे सबको देंगे एक एक करके। जल्दी दो, ये मेरा, ये मेरा। मेरा तो बैलेंस बना नहीं, इनका कहाँ से बनेगा। भाई ये बहुत हिल रहा है, इसमें बैठना पड़ा। भाई जिसका भी सर पानी में गया वो आउट। बहुत बढ़िया, तो पतली सी है, हमारी मुश्किल है। भाई बहुत मुश्किल है इसके अंदर बैठना, क्योंकि ये छोटे बच्चों का लिया है। बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो रखा हूँ, अगर मैंने ये दीवार छोड़ दी ना तो मैं जा सकता हूँ भाई, कुछ ही नहीं पता। बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल हो रही है इसमें, ये तो बहुत बार बार इधर उधर हो रहा है, पता नहीं कैसे मैं ही ना गिर जाऊँ पहले। बहुत बढ़िया, गिरो जल्दी गिरो। इतना बैलेंस अपनी लाइफ में कर लिया होता ना तो आज एक अच्छी जॉब होती मेरे पास। मैं तो वॉर जोन में जा ही नहीं रहा। पानी मार गया यार, इतना मतलब इतना पास तक आने के बाद हार ना तो दुख तो बहुत हो रहा है। तो गाइस फाइनली मुझे मिल चुके हैं मेरे टॉप 2 फाइनलिस्ट। तुम दोनों के बीच में गेम बचा सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का, तो अब तुम दोनों में से जो आखिरी तक इस पूल में टिकेगा वही होगा इस चैलेंज का विनर। इतने चैलेंजेस में आया निशु के, पर पहली बार ऐसा है जहां मैं टॉप 2 में आया हूं। मैं भी फर्स्ट टाइम टॉप 2 में आई, तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो जो भी जीतेगा हम फर्स्ट टाइम विनर होंगे निशु की वीडियो के। yes. इसलिए क्यों ना मैं बन जाता हूँ, क्यों ना मैं बन जाऊँ। कोई भी बने हमने इनको छोड़ दिया इनके हाल पर। भाई लड़कियों की तबीयत जल्दी खराब हो जाती है, बाहर निकल जाओ रोटी राटी खा जाके। आप खाओ आपको भूख लग रही है। ठीक है देखते हैं कितनी देर तक टिकेगी। हाँ यार पर क्लोस्ट्रोफोबिया आपको है। क्लोस्ट्रोफोबिया तो तुम्हारा बेवकूफ बनाने के लिए था, उसे बाहर कराना उस लड़की को पहले, उससे पहले। अब तेरा नंबर है। बहुत ठंड हो रही है, ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो गई है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं तो यही सलाह दूंगा निकल जा, सुबह तो स्कूल भी जाना है। hmm.
गिवअप करना चाहिए क्योंकि मयंक भैया नहीं निकलने वाले हैं और मैं भी नहीं, क्योंकि तो फिर तो हम दो तीन दिन लगा देंगे। तो आई थिंक मुझे गिवअप करना चाहिए हेल्थ को देख के एंड मयंक भैया को भी देख के। जीत जाओ आप, मजाक कर लिए क्या? जाओ आप जीतो, जीतो पहला चैलेंज, तो जीतो आप। देख ले, सोच ले, अब भी टॉप टू में आके इतना करीब आके, एक को तो जीतना ही था भैया, आप जीते। तो गाइस फाइनली मयंक बनता है इस चैलेंज का विनर और उसको मिलते हैं